आज तक मैंने इतना ज़्यादा पानी नहीं देखा भाई। वेल टाइम हो रहा है एग्जैक्ट सुबह का 7:23। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू आर डूइंग प्रीटी फाइन। तो भाई पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग पिछले 10 दिनों से यहाँ पचपदरा नाम की एक जगह में राजस्थान में जहाँ पर एक प्लांट हमारा लग रहा है, तो उसी के साइट के काम से हम आए थे। और मैंने ये भी बोला था कि 10 दिन अराउंड हो गए हैं और उसके बाद मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी बाइक यहाँ नहीं है, हम नेक्स्ट व्लॉग में बाइक लेने चलेंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया जब अपन चलेंगे बाइक लेने। तो अभी क्या है, सुबह 7:30 बजे है, बस रेडी होते हैं। अभी तो पहले साइट जाएंगे, वहाँ जाके दिन भर का काम निपटाएंगे, उसके बाद जो है अपनी ट्रेन है वापस गुड़गांव की। अब ट्रेन क्यों है, क्योंकि साइट पे ना सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिलती है यार, मतलब 6 दिन वर्किंग है। गुड़गांव में जनरली 5 डेज़ वर्किंग होता है, यहाँ पर 6 डेज़ वर्किंग है। और अगर मैं शाम में निकलना चाह रहा था यहाँ से, बट जोधपुर से ना शाम में फ़्लाइट्स नहीं उड़ती, तो दिन में ही उड़ती हैं, तो फिर क्या होता कि मैं फिर जिस दिन छुट्टी है उस दिन निकलता था, फिर मैं वापस नहीं आ पाता बाइक लेके, और यहाँ छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो अपन क्या करेंगे, ऑफिस करेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे रेलवे स्टेशन, रात भर सफ़र करेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे गुड़गांव, कल अपनी बाइक उठाएंगे और वहां से सुबह वापस। थोड़ा टीडियस हो जाएगा, मतलब जब मैं वापस आऊंगा ना परसों सुबह, और 4-5 बजे आएंगे और फिर 7-8 बजे हमें साइड जाना रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे, बाइक भी तो आ जाएगी। हेलो भाई, अपनी ट्रॉली बिल्कुल रेडी कर ली मैंने, और ट्रॉली ले चलना जरूरी है, शाम को जैसे ही वापस आएंगे प्लांट से सीधा ट्रॉली उठाएंगे और निकल लेंगे। ट्रॉली इसलिए ले चलना जरूरी है क्योंकि जब हम लोग वापस जाएंगे ना बाइक लेके यहाँ से, तो ट्रॉली नहीं ले जा पाएंगे, तो अभी अपन छोड़ाएंगे चल के ट्रॉली। ये हमारा नीचे का रेस्टोरेंट है जहाँ हम रोज़ ब्रेकफास्ट करते हैं, नूडल्स सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में नूडल्स देख लो और चीले। खाना लिया है, सॉस लाना तो भूल ही गए, चीले कैसे खाएंगे सॉस के बिना। बस करो, पूरा कंटर ले आओगे क्या उसका उठा के। फाइनली अब इंतजार करते हैं अपनी गाड़ी का, गाड़ी आएगी साइट 8:20 के आसपास, गाड़ी आती है, हम लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। ये आपको सामने दुकान दिख रही, सियाग मार्केट महाबालाजी। पिछले इतने दिनों से हम लोग यहीं से सामान खरीद खरीद के अपना जो है कुरकुरे बिस्किट चाय ये सब खा रहे हैं, ऐसे काम चल रहा है। यही एक ही दुकान है पूरे सामने और कुछ नहीं है आसपास। फाइनली निकल लिए हैं फटाफट। तो ये है पचपदरा कस्बे का, टाउन का मेन चौराहा, बढ़िया सिटी है, छोटा सा है बट है अच्छा। तुम्हें शेक लेने भेजे थे साला, तुम समोसा लेने लग गए। दो लिए कि नहीं लिए, एक एक लिया ना तीनों चीजें, क्या की थी, मिर्ची पकौड़ा, समोसा और एक यार शेक बना लो शेक। हमारी गाड़ी चेंज हो गई क्योंकि मैं जोधपुर जाना है ना, टैक्सी वाली गाड़ी चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, तो अपन इसमें बैठेंगे। चलो चलो भैया, आज ना बारिश देख रहे हो कंटिन्यूस हो रही है, यहाँ भी ना बारिश का सीजन आ गया। विकास समझ रहे हो बारिश क्यों हो रही है, तू जा रहा है तो राजस्थान रो रहा है। मैंने वैसे ये खुशी की आंसू है, वो कह रहा गंदगी बाहर जा रही है पूरी राजस्थान से। हम तो नहीं, अरे हमारा होटल आ गया भैया, देख रहे हो खेतों के बीच में अचानक से एक होटल आ जाता है। आप ये देखो, अभी साहब 2 मिनट रुको, हम सामान लेके आते हैं ठीक है। तो जी हम पहुंच गए अपने होटल रूम, थोड़ा जल्दी चलाओ जल्दी से, अभी यहीं खा लिया जाएगा, गाड़ी में कहाँ बैठ के खाएंगे ना, फटाफट खाते हैं जल्दी से। मैन लाइट आ रही, मैंने वो नहीं लगाया, होटलों के ना ड्रामे बहुत है भाई साहब, सही रेस ले। ओ भाई लाइट, चलो जल्दी निकालो। एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात आपको बताएं, यहाँ पे ना लोग समोसे के साथ ब्रेड देते हैं, देख रहे हो, ऐसे खाली समोसा नहीं देते। वाह क्या इंजीनियरिंग दिमाग लगा है, देख रहे हो बर्तन के नाम पे भगोना साला चटनी भगोने निकाल, तो जल्दी खाओ। खैर हमें कोई टेंशन नहीं, हमारी शादियाँ हो रखी तो पानी बरसेगा काम। तो भैया सामान निकाल लिया अपना पूरा, ये कहाँ रखते भैया, टिक्की खोल दो जरा। चलो पचपदरा एक दिन के लिए बाय बाय। ये जो ऊपर हाईवे आपको दिख रहा है ना, ये सीधा जोधपुर हाईवे, सब कोई नीचे छू गई क्या गाड़ी। अरे BMW नहीं है ये भाई, देखो देखो मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा आप लोग ये सब चीज़ें खाना मतलब मे भी अच्छी चीज़ नहीं है, बट यार हमने जोधपुर में ना यहाँ पे ये एक चीज़ एक्सप्लोर करी है, ये एक स्वीट जो पा रही है भाई, क्या जहर टेस्ट है इसका। टोबैको फ्री है बता दो, टोबैको ऑब्वियसली टोबैको फ्री है, तो आप लोग मत खाना बड़े यार, हमें तो चस्का लग गया, हमें इधर ये लग रहा है कि वहाँ जाते जाते हम लोग विमल खाना सीख जाए जब तक गुड़गांव पहुँचेंगे वापस, बट रियली बहुत सी बहुत महंगी है, 5 रुपये की भाई। एनीवेज हम हाईवे चढ़ चुके हैं अभी,
फाइनली अपन पहुंच चुके हैं जोधपुर शहर और मस्त ट्रैफिक यहाँ अच्छा है। अभी स्टेशन हालांकि दूर है, अराउंड 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन मजे भैया पूरे आ रहे हैं पूरे। लो जी अपन पहुंच गए हैं जोधपुर रेलवे स्टेशन। प्रवेश केवल हल्के वाहन, विकास उतर जाओ, वाहन हल्का करना है थोड़ा, हमें वाहन हल्का करना है तुम उतर जाओ। आई लव सन सिटी, क्या बात है भाई, क्या बात है। ठीक है विकास, अरे लगाओ लगाओ ऐसे कैसे, अरे अपना क्या देखो, ये चश्मे में बाप जम जाती है पूरा। हेलो भाई, हमारी चाय आ गई, उत्तर पश्चिम रेलवे के बीचों बीच हम चाय पियेंगे, चाय जरूरी है। देखो और ये देख रहे हो मच्छी पकौड़े, जहर लग रहे हैं देखने में बिल्कुल। जोधपुर में, राजस्थान में ना ये सब चटपटा सामान बहुत ज़्यादा मिलता है। विकास बाबू गोलगप्पे की दुकान में लग गए, तो यहाँ पे कानपुर की तरह बोल रहे हैं अमित पानी बतासे वाला। मान ली अपन अपनी ट्रेन में चढ़ चुके हैं, बेहतरीन। बस थोड़ी देर में अभी स्टार्ट हो जाएगी मस्त, और फिर अपन सफर पूरा करेंगे। मजा आते हैं ट्रेन में, ये तो है, कुछ भी कहो, मस्त एंजॉय करते हैं प्लेटफॉर्म। टाइम हो गया है सुबह का 10:30, गुड़गांव पर आ चुके हैं और यहाँ आते ही बारिश ने जो स्वागत किया था किसी को लिमिट नहीं है। एनीवेज आते ही हम सो गए थे, 4:30, 4:30, 4:45 पहुंच गए थे। चलते हैं नीचे और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपनी बीमर देखते हैं चल के, भाई इतने दिन से देखने नहीं मिली है। टू यू सरप्राइज, हमारे बेसमेंट में पानी भरा है और ये खड़ी अपनी बीमर। भाई इसका तो कवर खोल दिया किसी ने। ओके अभी क्या करते हैं, अभी पहले इसको अपन खोलते हैं। किसी ने जम के गंदी करी, ये देख रहे हो, ये होता है। एनीवेज ये सब तो चलो बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि स्टार्ट हो रही है मैडम कि नहीं हो रही है। 20 दिन बाद। ओ सो लेट्स डू इट, टैंक रिजर्व लेवल रीच्ड। टैंक में पेट्रोल भी नहीं था, आया याद आया मेरे को। ओ होगी भाई, 10-15 दिन बाद भी स्टार्ट हो गई, बट यार गंदगी कैसे लग गई। देख रहा हूँ ये सब बिल्ली के पंजे हैं और ये देखो पूरे बिल्ली के बाल हैं। पूरा बिल्ली बैठी इसके ऊपर मस्त, और पार्किंग में भर गया पानी, तो खड़े खड़े बाइक जो है गंदी हो गई पूरी। एनीवेज अभी निकलते हैं, थोड़े से काम निपटाने, पेट्रोल भरा लेते हैं इसमें, हवा हवा चेक करा लेते हैं, फिर वापस आते हैं, क्योंकि आज ही हमें निकलना है वापस बाड़मेर के लिए, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे। अभी फिलहाल चेक कर लेते हैं चल के बाइक बिल्कुल ठीक है या नहीं है, बट पानी बहुत भरा है गुड़गांव में आगे, तो वो देखते हैं। चलो फिर चलते हैं, और बहुत दिनों बाद बाइक अपने हाथ आई है भाई। अरे बाप रे, ओ लो भाई अब होगी एडवेंचर बाइक की असली परीक्षा, तो बहुत ही ज़्यादा पानी भरा है यार। अरे बाप रे, आज तक मैंने इतना ज़्यादा पानी नहीं देखा भाई। अरे पूरी मेरी बाह ही किधर से उधर हो गई थी यार, मैं तो ब्लॉगिंग ही करना भूल गया।
बंद होते होते बची भाई बीमर। बताओ ऐसी तो गुड़गांव में बारिश होती है कि जगह नहीं रह जाती। ये जो गाड़ी वाला था ना पीछे एक, इसने यार वो साइड से आ रहा था, पूरी एक लहर उठा दी पानी की, उसमें मेरी बाइक पूरी इधर उधर चली गई। नहीं तो इतनी दिक्कत होती नहीं। एकदम से इंजन ना खड़खड़ खड़खड़ हो गया यार, मैं डर गया, मैं कहा भाई बाइक ना बंद हो जाएगी। पूरे मेरे कपड़े देख रहे हो पूरे भीग गए भयंकर तरीके से। आज भाई बंद होते होते बची बाइक। भाई बाइक की तो बैंड बज गई आज। ओ भाई फिर से बारिश होने लग गई बहुत तेज। GoPro रखना पड़ेगा भाई साहब, बारिश ने जो आज आतंक मचाया है ना। ओ भाई पूरा घर में यार इतनी तेज बारिश हुई कि पूरा पानी भर गया, और हालत देखो मेरे पूरे, ये देखो कितना कूड़ा जमा हो गया, पूरे पैर वैर सब भीग गए। सबसे टेंशन की बात ये है कि 2 घंटे बाद हमें बाड़मेर के लिए निकलना है राजस्थान के लिए, और मौसम देख के लग तो नहीं रहा कहीं से भी कि हम निकल पाएंगे, और छुट्टी उट्टी नहीं है हमारे पास। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना पानी भरा आ गया। आपने ब्लॉग में देखा आज पहली बार मेरे को ऐसा लगा, मेरा ना 2-3 लाख का फटका लगा भाई, बाइक बिल्कुल जो है झुड़ुक 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 हो गई, बस किसी तरीके से चल गई। जबकि इस बाइक में 250 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, सबसे ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ एडवेंचर बाइक में। बट स्टिल जैसे वो देखो गली देखो आप, सब पानी बिल्कुल लोडेड है। एनीवेज गुड़गांव हम पहुँच गए, ये अच्छी बात है। कैसे निकलेंगे यहाँ से वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो इस ब्लॉग में यही ख़त्म करते हैं। बाड़मेर से गुड़गांव तक का अपना सफ़र अच्छा रहा, बाइक में पेट्रोल भरा लिया लेकिन पेट्रोल भराते भराते हालत ख़राब हो गई। तो ठीक है थोड़ा नहा ले गीले हो गए, तो इस ब्लॉग में यही ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय।